नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आइए आज हम सभी वास्तु शास्त्र से जुड़े कुछ एक उपायों के बारे में जानते हैं, जो आप करते हैं तो आपके घर में धन का आगमन होगा। वास्तु शास्त्र में घर में कौन सी वस्तुएँ होनी चाहिए और कौन सी नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि घर में पीतल, सोना, तांबा, चांदी इत्यादि होना ही चाहिए। ऐसे ही वास्तु शास्त्र में ऐसी कई चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होना बंद हो जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ एक ऐसी ही वस्तुओं के बारे में। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि ताजमहल, युद्ध, फवारे, झरने, हिंसक जानवर जैसी तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर में उदासी, निराशा, कलह आती है। अक्सर लोग घर में फटे पुराने कपड़ों को रख देते हैं। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि इससे घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए फटे पुराने वस्त्रों को घर में नहीं रखना चाहिए, या तो ज़रूरतमंदों को दान कर दें या फिर उसको प्रवाहित कर दें या कूड़े में फेंक दें। वैसे ही पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल देना चाहिए। ये जानकारियाँ हम जो आपको बता रहे हैं, बार बार हम आपको बताते हैं कि धार्मिक आस्थाओं और लौकिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जिसे मात्र सामान्य जन रुचि को ध्यान में रखकर हम बता रहे हैं। वैसे जो भी इस व्यू में तो हमने चीज़ें बताई, इनको अगर आप घर से दूर रखते हैं तो आप में खुद ब खुद पॉजिटिविटी रहेगी। इनका तो साइंटिफिक रीजन भी होता है, यानी कि आपको साइंस भी यही कहता है कि अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखें, जिससे कि आपके घर का माहौल सही रहेगा, आपको शुद्ध हवा मिलेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आप हर काम को दिल और मन लगा करके कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सफलता का ग्राफ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।